हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज आई हूँ मैं शॉप के पास जहाँ पे हमारी है एप्पल की मशीन भी है, जहाँ पे सेब भरे जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, बने रहे मेरे वीडियो पे, मैं दिखाऊंगी कि कैसे कैसे सेब भरे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आप सेब कैसे भरते हैं, क्या हिसाब से बेचते हैं। बेचने का सिस्टम होता है हमारे यहाँ पर सेब का पेटियों के हिसाब से। ये 24 किलो की पेटियाँ होती है, फिर रेट मार्केट पर डिपेंड करता है कि कितना रेट है मार्केट का, उस हिसाब से हमें रेट मिलता है। तो मार्केट का आजकल रेट अच्छा चला है, 2500-3000 तक। जैसे जैसे मतलब आपके पास सेब होगा, अच्छा होगा तो अच्छा रेट मिलेगा, थोड़ा ख़राब होगा या मतलब ओले वाला होगा तो रेट उस हिसाब से मिलेगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी बताइए क्या रेट मिल रहा है। और बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि दीदी सेब बेच दो, पर इतनी आसानी सेब बेचना बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे बेचे सेब। तो अगर आप लोग यहाँ आते हैं हिमाचल में, तब तो हम दे भी सकते हैं आपको सेब। क्योंकि बहुत दूर दूर से मेरे भाई बहन बोलते हैं कि दीदी सेब भेज दो, सेब भेज दो, बट इतने दूर भेजना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ पे वैसे तो लोकल मंडी में बिकता है सेब, पर ज़्यादातर लोग दिल्ली भी बेचते हैं और चंडीगढ़ बेचते हैं, और लोकल मंडी में भी बहुत सारे लोग तो लोकल मंडी में बेच लेते हैं। तो गाइस, आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी मशीन। तो चलिए, बने रहे मेरे ब्लॉग पे। तो अभी मैं जा रही हूँ रास्ते में नहीं, मतलब अपने खेत में ही है, खेत वाला रास्ता है। उफ, जाले जाले फंस रहे हैं मुँह पे। इस साल बारिश कम हो रही है ना, तो जाले ही जाले लगे हैं पेड़ों में, जाले ही लगे हैं मकड़ी के। तो ये देखिए मेरे पीछे गोल्डन सेब है, यहाँ पे तो तोड़ा ही नहीं गोल्डन सेब, बोलते हमने गोल्डन सेब तोड़े, गोल्डन के पेड़ तो वैसे ही रेड गोल्डन। चलिए गाइस, दिखाते हैं आपको अपनी मशीन। तो गाइस, यहाँ पे ना पहले प्लास्टर कर रहे थे, तभी ये जो बम्बू लगे हैं तभी लगे हैं। तो अब मिस्त्री लगे सीलिंग करने वाले, प्लास्टर अभी आधा इधर को रह गया है, आधे में किया है, क्योंकि अब थोड़ा मशीन पे काम शुरू हो गया था। सेब का सीज़न शुरू हो गया। और मौसम आज बहुत ही अच्छा है, ये देखिए कितना प्यारा मौसम है। तो ये देखिए, इस साल अनार भी लगे, दो चार, ज़्यादा नहीं लगे अनार, दो चार ही लगे। तो ये वाले अनार ना बहुत खट्टे होते हैं, बहुत लेट पकते हैं, मतलब खट्टे तो क्या है, पकते लेट है। और यहाँ पे मैंने ना वो बथुआ भी जाता, ये देखिए थोड़ा थोड़ा उगा ये बथुआ। तो यहाँ पे तो घास ही घास भर गया है, उन्हें काट के नहीं किया घास ना, क्योंकि ये गाय के लिए रखा है। अब मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, मैं कहाँ से जाऊँ, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा है। अब मुझे वापस ही हटना पड़ेगा पहले तो। गाइस, मैं आ गई हूँ, ये हमारी ग्रेडिंग पैकिंग मशीन है, इसमें सेब ग्रेड होते हैं, पैकिंग तो हाथ से ही होती है पेटियों में। तो ये देखिए, इस तरह से ये सेब डाले जाते हैं, फिर इस तरह से ये ब्रश से साफ होते हैं। एक हार्ड वाली ब्रश होती है, एक सॉफ्ट वाली, जो ग्रीन वाली हार्ड वाली होगी, ब्लैक वाली सॉफ्ट वाली। और ये देखिए, अपने आप जो इसमें बॉक्स बने हैं, इसमें अपने आप ही सेब ग्रेड होकर निकलता है। और ये फिर क्रेटे रखी जाती है और इसमें निकाल के रखे जाते हैं। तो ये ब्लैक वाला सॉफ्ट ब्रश है, पहले हार्ड ब्रश से साफ होकर आता है, ये ग्रीन वाला हार्ड ब्रश है, इसे साफ होकर क्लीन होकर फिर सॉफ्ट ब्रश पे, फिर इसमें सॉफ्ट ब्रश से पोछा लगता है। तो ये देखिए, ये हमारे
वर्कर निकाल रहे हैं फिर इन सेबों को, इस तरह से क्रेटो क्रेटो में निकाला जाता है इन सेबों को। तो इसमें वॉइस ओवर मैं इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ पे कितने सारे सेब इकट्ठे हो गए थे, फिर मैं इनको आगे कर रही हूँ खुद। और ये देखिए कैसे जा रहे हैं, अपने आप निकल रहे बॉक्स में, जो जो जिस चीज का बॉक्स है। तो गाइस ये लार्ज का बॉक्स है, इसमें लार्ज से निकले हैं, ये वाला मीडियम का है, ये स्मॉल का है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल का है, और ये सिक्स लेयर का है, और ये पिट्टू का है। तो इस तरह से ग्रेड होता है, फिर यहाँ पे पैक कर रहे हैं ये लोग, ये पैकर है। तो इस तरह से पेटियों में भरा जा रहा है सेब। तो ये वाला सेपरेटर बोलते हैं इसको, 200 200 200 कौन से होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 200 पर रेट 4-5। 200 किसको बोलते हैं? सिक्स में आठ सिक्स लेयर हो ना, सिक्स लेयर तो जो सिक्स लेयर, सिक्स लेयर ये तो इसको क्या बोलते हैं? 240 के 200 ये। अच्छा ये 200 बोलते हैं, 175। ये क्या है? तो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।